और सुनाओ, की समाचार है? घर परिवार ठीक है? समाचार तो सब ठीके है। अथी आटा घरे कैसे नहीं रही? हाँ तो गहूम कहिए खत्म हो गए, हम तो खरीद के गहूम खा रहे हैं। अच्छा, खरीद के खा छी? हम तो घरे के आटा खा रहे। से बात है। हाँ, हमारे घरे के गहूम रहे, पिछला बार 15 नवंबर से पहले रोपाई के लिए रहे, वैसे उपज अच्छा भेल, अभी वह गेहूं के आटा खा रहे हैं। अहाँ के तो पता है एक जैसा मौसम आजकल के नहीं रहे है। की बात है, तो ठीक बोल रहा हूँ, आजकल मौसम के कोई ठीक नहीं रहे है। हम सब किसान सब के फसल मौसम पर ही आधारित रहे है, इस लिए मौसम में बदलाव के अनुसार अपना तरीका में बदलाव लावे के जरूरी पड़ते है, जैसे कि हमर फसल मौसम की मार से बच सके। तू की बोल रहा हूँ, हमारा कोई समझ में है नहीं। देखियो, ये बार कुछ भी हो लेकिन गेहूं के रोपाई 15 नवंबर से पहले कर ले, ऐसे कि 25% गेहूं के उपज में बढ़ोतरी हो सकले हन। केना उपज बढ़ते? देखियो, पहले गेहूं बोए से गर्मी आवे से पहले दाना पुष्ट होके तैयार हो जाए छे, तो पहले कटाईयो हो जाते। अहाँ के पता है गर्मी जल्दी आवे से गेहूं के दाना पुष्ट होए से पहले सूख जाए है, ऐसे कि 25-30% उपज में कमी होए है और किसान भैया के नुकसान पहुँचे है। अगर हम गेहूं के बुआई थोड़ा दिन पहले कर लेवे तो गर्मी के मार से होए वाला नुकसान से बच सकलिए हैं और उतना ही मेहनत में ज्यादा उपज ले सकलिए हैं। अच्छा, ये बात हम कभी सोचबे नहीं कलिए रहने। हम किसान लोग देरी से समझे छे लेकिन नुकसान होए के बाद सोचे छे। तू ठीके बोल रहा हूँ, किसान लोग कुछ देरी से समझे है। अगर पहले से सोच समझ लेती है, सोच समझ कर सही समय पर तय कर लेती है रहे, तो लाभ ओकर उठा सकती है रहे। से बात है। जना छे, दूसरे जगह के किसान लोग 15 नवंबर से पहले गेहूं के खेती कर अच्छा उपज ले रहलखिन हन। तो ठीक है, लेकिन ये बताबा 15 तारीख के बाद गेहूं के रोपाई करवाए तो उपज में कितना फर्क आते? 15 नवंबर के बाद गेहूं के रोपाई करे से लगभग 1 kg प्रतिदिन उपज कम हो जाए छे। आय के मतलब ई भेलाय जे प्रति कट्ठा में 20 किलो उपज कम हो जाए छे। बिल्कुल सही समझलू। सुनियो, जैसे जैसे गेहूं के बुआई में देरी करवे वैसे वैसे ओकर उपज कमत जतय। तू तो एगो नया बात बतलल हो। कोई नया बात नहीं है, हमरा के जानकारी नहीं रहे, अगर जानकारी रहते रहे हम लोग लाभ उठा सकती है रदी। किसान के है कथी, उपजे तो मेहनत के फल है, वैसे घर परिवार चले है, इले जे भी तरीका उपज बढ़ावे में मदद करते ओकरा हमनी के तुरंत अपनावे के चाही और लाभ उठावे के चाही। गेहूं के बुआई 15 नवंबर तक कलियो से गर्मी के कारण उपज में घाटा कम कर सकलिए हम और 25% उपज ज्यादा ले सकलिए हम। अगर किसान 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई सही तरीके से कर ले तो उपज 15-10% बढ़ जाता है।